फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर ओसामा बिन लादेन से जुड़ी हुई है। ओसामा बिन लादेन का खास आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान के गुजरात से आतंकी अमीन हक गिरफ्तार किया गया है। खुफिया ऑपरेशन चलाकर अमीन हक को पकड़ा गया है। पाकिस्तान में खतरनाक प्लान बना रहा था यह आतंकी। अमीन लादेन के साथ कई आतंकी वारदातों में शामिल था। अब सवाल ये, लादेन का अंत जिस तरीके से हुआ, क्या उसी तरीके से इसके साथ ही इसके करीबी अमीन हक का भी अंत होने वाला है? खुफिया ऑपरेशन चलाकर अमीन को फिलहाल पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान में खतरनाक प्लानिंग करते हुए इस आतंकी के बारे में जानकारी मिली और अलग अलग कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है अमीन हक। ओसामा बिन लादेन का करीबी, उसका साथी, जो कि अलग अलग आतंकी वारदातों में शामिल रहा और अब फाइनली पकड़ा गया है। पाकिस्तान में कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था, ऐसे में गिरफ्तार हुआ है तो बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये, अमेरिका के ऑपरेशन में जिस तरीके से लादेन का अंत हुआ था, क्या उसी तरीके से अब अमीन हक के अंत की बारी आ गई है? बड़ी खबर, ओसामा बिन लादेन का करीबी आतंकी अमीन हक जो कि मारा गया है। अमन चैन का दुश्मन ये अमीन हक जो कि अभी गिरफ्तार हुआ है। अमीन लादेन के साथ कई आतंकी वारदातों में से पहले शामिल था। ओसामा बिन लादेन का खास था। पाकिस्तान के गुजरात से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लादेन के मारे जाने के बाद ये सवाल रह रहकर लगातार उठ रहे थे कि लादेन तो मारा गया है, लेकिन क्या उसकी विचारधारा और क्या उसके नेटवर्क में काम करने वाले बाकी आतंकी इस घटना से प्रभावित होंगे क्या, या फिर ये जो आतंकी कड़ी है ये यहीं पर रुक जाएगी क्या? पाकिस्तान के गुजरात से अमीन हक को पकड़ा गया है और अब माना यह जा रहा है कि अमीन हक कई ऐसे राज उगल सकता है जो आतंकी घटनाओं की प्लानिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। और जानकारी ऐसी कि अभी भी पाकिस्तान में रहकर आतंकी प्लानिंग उसकी चल रही थी, खुफिया ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर ओसामा बिन लादेन का खास अमीन हक गिरफ्तार हुआ है।